Hey guys, welcome back to Techno Smart ASAP. तो कैसे हमारी पब्लिक आ चुका है हमारा न्यू लॉन्चेस का बोट स्ट्रॉन्ग कनेक्ट. उससे पहले गाइस आप सभी लोगों को मैं थैंक्स करना चाहूंगा. काफी लॉन्ग टाइम आपने वेट किया है मेरे वीडियोस का, ठीक है. आफ्टर वन मंथ अप्रोक्सीमेटली मैं वीडियो आल्सो बना रहा हूं. सो गाइस इसका हम करने वाले हैं पूरा का पूरा अनबॉक्सिंग रिव्यू. लास्टली आपको कनेक्ट करने में क्या क्या इशू आती है, कॉलिंग फीचर है और इसमें क्या स्पेशल फीचर है तो जो गाइस इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है. सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कर लेता हूँ, इसके अंदर आता है AI नॉइज कैंसिलेशन का फीचर, ठीक है. सो इसको हमने टेस्ट करा है वीडियो के अंदर. वीडियो पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना गाइस, ठीक है. मैं बता दूं ये वॉच हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है. इसका जो लॉन्चिंग प्राइस था 1799 था, 1800 रुपए था, ठीक है. लेकिन ये गाइस आपको ये वाली वॉच मिलेगी सिर्फ 1500 रुपए में. नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये वॉच चाहिए तो, ठीक है. मेरी तरफ से डिस्काउंटेड प्राइस होगा. सो अगर आपको वॉच चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना गाइस, ठीक है. तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू गाइस. इससे पहले जो हमारा वॉच आ चुका है बोट स्टॉर्म आ चुका है, बोट स्टॉर्म कॉल आ चुका है, बोट स्टॉर्म उसके बाद बोट वेव कॉल और सारा का सारा मिक्स वर्जन के साथ ही वाली वॉच हमारी आ रही है, ठीक है. सो इसके अंदर जो स्पेशल था फीचर और सारे के सारे फीचर्स की टेस्टिंग की गई है. इसमें हमारा जो सेंसर है गाइस, वो सेंसर हमारा वर्किंग है या नहीं है, वो सारी की सारी टेस्टिंग आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी. और अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखने स्किप मत करना, क्योंकि जिस तरह से मैं बताता हूं ना आपको, इस एक वीडियो देखने के बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले है गाइस, ठीक है. ठीक है, नीचे आपको कोई भी कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. स्टिल अगर बाय मिस्टेक कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है, तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा गाइस, ठीक है. या फिर आप वेट कर सकते हो मेरे आफ्टर 5 डेज वाले वीडियो का. कंपनी हमें इसमें 10 डेज का बैटरी बैकअप क्लेम करती है, ठीक है. इसका हमारा बैटरी बैकअप कितने दिन चलता है, इस बैटरी बैकअप के ऊपर मैं आपको आफ्टर 5 डेज का रिव्यू वीडियो में बताऊंगा, ठीक है. या फिर जब भी हमारी बैटरी लो होगी, बैटरी डाउन होगा हमें, तो इसके ऊपर एक वीडियो मैं नेक्स्ट और बनाऊंगा जो हमारा रिव्यू वीडियो होगा फाइनल. जैसे कि आप देख सकते हो तो ये हमारा बूट स्टॉर्म कनेक्ट. तो कैसे आप लोग आ चुके हैं हमारा बूट स्टॉर्म कनेक्ट प्लस. इससे पहले जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा बूट स्टॉर्म आया था, ठीक है, और बूट स्टॉर्म कनेक्ट प्लस आ चुका है, ठीक है. दोनों मिक्स वर्जन आ चुका है. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. और यहाँ पे हम इसको करने वाले अनबॉक्सिंग और फुल का फुल टोटल टेस्टिंग रिव्यू. जैसे कि अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मैं जो है इसकी पूरी टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है. लास्टली हमारा क्या वर्किंग है, क्या क्या वर्किंग और क्या क्या वर्किंग नहीं, सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं विथ टेस्टेड, ठीक है. तो गाइस यहाँ पे जो इसमें एड ऑन फीचर किया गया ये है हमारा ENX टेक्नोलॉजी AI नॉइज कैंसिलेशन, इसके अंदर एड ऑन किया गया. सो फिलहाल इसका हम पूरा का रिव्यू करने वाले हैं. कनेक्ट करने में हमें क्या क्या दिक्कत आती है, यूज करने में क्या क्या दिक्कत आती है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी. फिलहाल वॉच को आउट ऑफ द बॉक्स कर लेते हैं गाइस, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द बॉक्स नाउ. सो यहाँ पे सबसे पहले आपको वॉच देखने को मिल जाता है. इसका वॉच का जो यहाँ पे साइज है गाइज 1.91 इंच का डिस्प्ले देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है. अभी वॉच की बात करेंगे, थोड़ा सा इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे हम ऑन द बॉक्स आ जाते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है. इन बॉक्स की बात करेंगे तो गाइज यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या मिलता है. और ये हम आ चुके हैं, ओवरऑल सारा बाहर कर देते हैं पहले. ओ माई गॉड, स्टिकर्स गजब मिलने वाले इस बार, ऐसा लगता है जैसे कुछ मिल जाता है. इसको तो अपन बाद में देखेंगे. इसके साथ हमारा वायरलेस चार्जर होगा इसके अंदर, जो हमारा स्मार्ट वॉच के लिए चार्जर है गाइज, ठीक है. गजब बोट हार्ड. तो हमें स्टिकर्स काफी अच्छे अच्छे एड ऑन करने के देखने को मिल जाते हैं. मिलता है एक बोट हेड की तरफ से थैंक यू कार्ड, मिलता है हमारा छोटा सा लव लेटर जो बोट कंपनी लिख रही है. तो अगर आपने किसी को, मतलब आपको किसी ने नहीं लिखा है, तो ये वाला लव लेटर जरूर अच्छे से पढ़ लेना गाइस, ठीक है. भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब आने वाला 1 ईयर का वारंटी का रजिस्टर कार्ड. हमारा एक आता है बोट स्टॉर्म कनेक्ट प्लस की तरफ से आने वाला यूजर मैनुअल कार्ड. तो इसको देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपके पास मैं हूँ, ठीक है. तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है. समझ गया. और पूरा फुल टूरी भी ओपन करने वाले, कनेक्ट करने में इशू क्या आते हैं वो सारे देखने वाले. सो फाइनली आ चुके हम अपनी वॉच की तरफ से. फटाफट पूरा अनबॉक्सिंग रिव्यू होगा, पूरा कनेक्टिंग इशू मैं दिखाऊंगा आपको क्या हमें कनेक्ट करने में इशू आते हैं, ठीक है. सो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो वॉच का यहाँ पे जो स्ट्रैप है, ओल्ड वॉचेस में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसका लेंथ जो ज़्यादा लग रहा है देखने में. वॉच का वेटेज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट देखने में यहाँ पे आपको हेवी फील हो रहा होगा गाइज, ठीक है. यहाँ पे हेवी आपको फील हो रहा होगा, बट ये वॉच का वेटेज है यहाँ पे जो गाइज ज़्यादा नहीं है. बटन्स जो है यहाँ पे सेपरेटली अंडर की साइड आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है. जो हमारा बटन है अंदर की साइड सेपरेटली. हाँ, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे जो नोटिस करता हूँ हमेशा की तरह, यहाँ पे आपको सिंगल क्लिप देखने को मिलते हैं. अगर हमारा डबल क्लिप होता है ना तो ग्रिप अच्छे से बनती है वॉच हम वेयर करते हैं तो, ठीक है. सो यहाँ पे डबल क्लिप होनी चाहिए थी, ठीक है. नेक्स्ट लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा स्पीकर्स है, बैक साइड में आपको जो देखने को मिलता है हमारा सेंसर है, और यहाँ पे हमारा चार्जिंग केबल के लिए देखने को मिलता है. सो वॉच का साइजिंग यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिला हैवी वेट, और जिसका वेस्ट थोड़ा सा मोटा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा वॉच का लुक आने वाला है, ठीक है. और दोनों स्ट्रैप जो रिमूवेबल है, आप इसको चेंज आउट करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है.
यहाँ पे हमें एक जो देखने को मिलता है इसको हटा देते हैं, तभी हमारा सेंसर यहाँ पे वर्किंग होगा। सो पूरा का पूरा रिव्यू वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ हमारा सेंसर वर्किंग है या नहीं है। बट बोट की केसेस में क्या होता है, बोट के जो भी वॉच मैंने अनबॉक्सिंग करे हैं सारे के सारे अच्छे थे। और लेफ्ट साइड में मैंने आपको स्पीकर दिखा दिया, राइट साइड में यहाँ पे छोटा सा आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है जो हमारा बीटी कॉलिंग के लिए आता है। ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेस किया बटन और ये हमारा वाइब्रेट के साथ बोट की ब्रांडिंग के साथ हमारा वॉच ऑन हो जाए। स्कैन टू बाइंड, यहाँ पे स्कैन टू बाइंड का ऑप्शन आ जाता है कि आप अपनी स्कैन करें तभी इसको आप बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड बोट क्रेस्ट ऐप, यहाँ पे डाउनलोड बोट क्रेस्ट ऐप या फिर क्यू आर को जैसे ही आप स्कैन करोगे ना तो बोट क्रेस्ट ऐप आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें और कुछ देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर विदाउट कनेक्टिंग के हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक दो बार मैं ट्राई करता हूँ, मैंने एक बार ट्राई किया था गाइस। ठीक है, सो इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ कि हमारा कुछ और कनेक्ट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी आगे वर्किंग नहीं है विदाउट कनेक्टिंग, जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने है। सो फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो शायद इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम के लिए रिव्यू आपका नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आफ्टर 5 डेज वाला, तो उसमें एक बार जरूर चेकआउट कर लेना गाइस, क्योंकि उसमें आपको देखने को मिलेगी कि हाँ हमारा वॉच जो है वो नेक्स्ट टाइम पे अगर हम डिसकनेक्ट होते हैं तो ये एटलीस्ट टाइम देखने के लायक होता भी है या नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले बोट क्रेस्ट ये वाला ऐप है, ठीक है, आप इसको डाउनलोड पे डाउनलोड क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हमारा ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्कैन टू बाइंड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप इसको स्कैन करके ऐप पे आओ या फिर डायरेक्टली बोट क्रेस्ट ऐप आप सर्च कर सकते हैं। डाउनलोड हो चुका है, हम करेंगे ओपन पे क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे गेट स्टार्टर पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको नंबर डालकर नंबर के साथ यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको ब्लूटूथ और लोकेशन का यहाँ पे परमिशन मांगा जाएगा। ठीक है, तो ब्लूटूथ और लोकेशन का परमिशन जैसे ही आप दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे वॉचेज आ जाते हैं। तो ये जो हमारा है स्टॉर्म है, ठीक है, तो स्टॉर्म वाले फील्ड पे आ जाएंगे, स्टॉर्म कलेक्ट प्लेस देख सकते हो सबसे पहले ऊपर आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो है लोकेशन पे आ रहा है। ठीक है, लिंक विथ बोट क्रेस्ट ये आ गया हमारा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया ब्लूटूथ पे, जैसे क्लिक करेंगे पेयरिंग का रिक्वेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुली देखने को मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट पेयरिंग आ रहा है, एक्सेप्ट हम करेंगे यहाँ पे और हमारा वॉच जस्ट पेयर होने वाला है यहाँ पे। ओ माय गॉड क्या लुक है। तो यहाँ पे वॉच का कोड हमें आता है 4779 और यहाँ पे हमने पेयर सक्सेसफुल कर दिया है। और यहाँ पे स्टिल जो हमारा लिख के आ रहा है कि कनेक्ट कनेक्ट, सो गेट स्टार्टर मैंने कर दिया है, वॉच तो हमारा कनेक्ट हो चुका है, 10:51 हो रहे हैं फिलहाल। सो फाइनली वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू होम पेज और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा गाइज, यहाँ पे सारा फीचर्स बीटी कॉलिंग का जो फीचर्स है उसके साथ सिंक कॉन्टैक्ट का फीचर देखने को मिल जाता है। ऐड कॉन्टैक्ट पे आएंगे हम यहाँ पे और कॉन्टैक्ट ऐड करने वाले हैं फिलहाल। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक नंबर यहाँ पे फिलहाल के लिए ऐड कर दिया, ठीक है, और दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे व्यू डिटेल्स, यहाँ पे आपको सारा समरी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, स्टेप काउंट, हार्ट, मॉनिटर, स्ट्रेस, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। माई वॉचेस पे जब आएंगे तो वही वॉचेस का टोटल डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वॉच की सेटिंग्स पे आ जाते हैं, वॉच की सेटिंग्स पे कनेक्टेड देखने को मिलेगा वॉच। तो ड्रिंक वाटर में रिमाइंडर मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं, ओके ओके बैक की तरफ आते हैं और यहाँ पे वॉच का जो फीचर इसमें आप देख सकते हो फाइंड माई वॉच का फीचर है, तो फाइंड माई वॉच मैंने क्लिक किया, सो वॉच हमारा फाइंड आउट हो चुका है। एक बार इसको क्लिक करेंगे ये हमारा क्लोज हो जाएगा। सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, और अच्छे से एक स्मूथ सा वर्किंग है। अभी तक जितने मेरे वॉचेस अब यहाँ तक अनबॉक्सिंग किए हैं उसके अकॉर्डिंग तो सारा का सारा स्मूथ वर्किंग यहाँ पे देख सकते हैं आप। ब्लूटूथ कॉलिंग पे आते एक बार, तो कॉन्टैक्ट सिंक मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। वॉच कंट्रोल की बात करें, यहाँ पे क्विक रिप्लाई का फीचर आ जाता है, क्विक रिप्लाई फीचर मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया यहाँ पे आप देख। गाइस ये था हमारा ओवरव्यू। फिट क्रू की तरफ आते हैं तो यहाँ पे और माय वॉच, यहाँ पे वॉच फीचर्स आप अपडेट कर सकते हैं, तो वॉच फीचर्स भी देख सकते हैं। चेंज वॉच फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो एक बार हम क्लिक करते हैं चेंज वॉच फीचर्स पे, यहाँ पे डिफॉल्ट में जो भी आपको यहाँ पे 200 वॉच फीचर्स देखने को मिल जाते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे वॉच फीचर हमारा अपडेट हो चुका है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट पे यहाँ पे कुछ वॉच फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर वॉच फीचर पे क्लिक करके भाई मैं उल्टा तो नहीं पकड़ा, दो और सोती दो तीन चार, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रही है, यहाँ पे पाँच, ठीक है, तीन दो पाँच हो गया, छः, यहाँ पे छः वॉच फेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखने को मिलेगा कस्टमाइज योर वॉच फेस, यहाँ पे आप अपना पिक्चर अपलोड कर सकते हो। सो गैलरी हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और रिसेंट की पिक्चर मैंने सिलेक्ट करी जो मेरा पिक्चर है, और यहाँ पे मैंने टाइमिंग सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे टाइमिंग का कलर आपको चेंज करने का ऑप्शन आता है, तो मैंने इसको ब्लैक पे कर दिया, ठीक है। स्टाइल 2, स्टाइल 3, स्टाइल 4, स्टाइल 5, तो बिल्कुल ये आ रहा है तो मैं इसको रखता हूँ स्टाइल 3 पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या सेव पे क्लिक, यहाँ पे सेव होने वाला है। ओ माय गॉड इतना फास्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है सारा का सारा वॉच फेस देख सकते हो, तो एकदम झटके में अपडेट हो गया गाइस, ठीक है। सो देख सकते हो कितने कम टाइम में यहाँ पे वॉच फेस हमारा 100% अपडेट हो चुका है, कम्प्लीटेड हो चुका है। यहाँ पे ओवरऑल व्यू जो हमारा ये कम्प्लीटेड हो चुका है गाइस, ठीक है। जो भी वॉच का जो ऐप का सेटिंग्स था मैंने आपको दिखा दिया कि वॉच फेस आपको कैसे अपडेट करना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका अलार्म का फीचर है 10:57 हो रहा है, मैं 10:59 का यहाँ पे अलार्म लगाने वाला हूँ, देखते हैं यहाँ पे वॉकिंग होता है या नहीं होता है।
तो 10:59 हो चुके हैं, हमारा अलार्म मैंने लगा दिया और आज हमारा दिन है वेडनेसडे, वेडनेसडे है ठीक है, सेव अलार्म कर दिया और ओके हो चुका है। ये हमारा जस्ट 2 मिनट बाद अलार्म भी बजने वाला है, तब तक मैं बाकी फीचर्स चेक कर लेता हूँ जो हमारा वॉच का ओवरव्यूज में हम कर लेते हैं चेक ठीक है। हमारा वॉच है, राइट स्वाइप करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल का टोटल समरी देखने को मिलता है, फिर स्लीप मॉनिटर के लिए हार्ट रेट है, फिर क्लाउड और यहाँ पे म्यूजिक का लास्टली हमारा आ जाता है, आपको देखने को मिलेगा। डाउन स्वाइप जैसे हम करते हैं यहाँ पे देख सकते हो आप काफी बड़े बड़े फोन्स यहाँ पे जो इसका यूआई का फीचर है, देख सकते हो ब्लूटूथ कनेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे लास्टली अभी जो मैंने अलार्म सेव किया था देख सकते हो वाइब्रेट हो रहा है, रिंग नहीं हो रहा है ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मुझे ऐसा नहीं देखा कि हाँ रिंग करने का ऑप्शन, तो 9:59 का मैंने अलार्म सेव किया था ऐप के थ्रू, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैंने एक बार क्लिक किया ये हो गया, अब दूसरा हमारा क्लोज हो चुका। पावर सेविंग मोड देखने को मिलता है, सेटिंग्स की बात करें सेटिंग्स आता है मोड है और हमारी ये फ्लैश लाइट मोड है ठीक है, इसमें आप जैसे चाहे वैसे उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं। ब्रिस मोड है, ब्रिस मोड जब भी आपका ये एक्टिवेट रहेगा ना, जब भी आपका वॉच में यहाँ मूव होगा थोड़ा सा सिक होगा ना ठीक है, तो ऑटोमेटिक से लाइट जल जाएंगे। पावर सेविंग मोड है और ये हमारा सेटिंग्स पा जाते हैं लास्टली। तो वॉच फेस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, यहाँ पे वॉच फेस आप अपने अकॉर्डिंग वॉच के थ्रू चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करेंगे यहाँ पे ब्राइटनेस आप देख सकते हो, ब्राइटनेस का फीचर आपको देखने को मिल जाता है, 40 पे है फिलहाल, मैंने 60 पे कर दिया है, 60 पे करने के बाद आपको ओके करना पड़ेगा तभी होगा। स्क्रीन ऑन टाइम है ठीक है, 5 सेकंड में बन जाएगा। रीच टू वेक का फीचर आपको देखने को मिल जाता है, सारे वीडियो गाइस स्किप मत करना ठीक है, वरना आपको बाद में पता नहीं चलेगा। साउंड वाइब्रेशन है, रिंगटोन पे मैंने क्लिक कर दिया ठीक है। वॉल्यूम का फीचर देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम भी मैंने बढ़ा दिया है, तो फिलहाल हम करते हैं इसको क्या, वॉल्यूम पूरा फुल कर देते हैं ठीक है। वाइब्रेशन सेंसिटिव मीडियम पे रखा गया। बैक आते हैं हम दोबारा से ऑटो एक्टिविटी पे आते हैं, ऑटो एक्टिविटी को हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं, जब भी हम कुछ करेंगे तो ऑटो एक्टिविटी हमारा देखने को मिलेगा। D&D मोड देखने को मिल जाता है ठीक है, स्मार्ट मोड भी देखने को मिल जाता है। सो स्मार्ट मोड क्या है ये हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम जनरल सेटिंग की तरफ से, यहाँ पे मेन्यू व्यू देखने को मिल जाता है, मेन्यू व्यू आपको पता ही होगा लिस्ट और ग्रिड व्यू आता है, सो यहाँ पे लिस्ट और ग्रिड व्यू पावर ऑफ रीस्टार्ट और रीसेट का फीचर देखने को मिल जाता है ठीक है। सो ये बटन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दोबारा क्लिक किया, जैसे क्लिक करें आपको सारा फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है लिस्ट व्यू में। सो काफी बड़े बड़े यहाँ पे इसके जो ऐप का टूल्स जो बनाए गए, टूल्स का साइज यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है गाइस ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगा, यहाँ पे म्यूजिक, सो म्यूजिक अब हम प्ले करके ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा फोन फाइल के अंदर कोई म्यूजिक नहीं है, जैसे आप स्वाइप करोगे यहाँ पे आपको जो है रिसेंट के मैसेज देखने को मिलेंगे। कॉलिंग का फीचर यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं, कॉलिंग फीचर के साथ वॉच आती है। सो डायल पैड हमें देखने को मिल जाता है, मैंने किया 1, 2, 3 और यहाँ पे, और यहाँ पे आप कॉलिंग पे जैसे क्लिक करेंगे देखें हमारा कनेक्ट होता है या नहीं होता है कॉल। सो एक बार इसको मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, देख सकते हो वॉच हमारा जो है ऑलरेडी कॉल यहाँ पे हो चुका है, अब म्यूट का फीचर वर्किंग है और अच्छे से ठीक है। और यहाँ पे कॉल हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि 1, 2 का कॉल जो है इतनी डायल में ही टाइम ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। कॉल की हिस्ट्री भी शायद साथ के साथ आपको देखने को मिल जाती है। वर्कआउट का फीचर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सारे के सारे 100+ स्पोर्ट्स मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। हार्ट रेट है यहाँ पे, इसको मैं लास्ट में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा वर्किंग है या नहीं। स्ट्रेट मॉनिटरिंग है और वर्कआउट रिकॉर्ड्स है, ब्रीदिंग टाइम है, अलार्म भी मैंने आपको ऑलरेडी गाइड्स दिखा दिया गया ठीक है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं होल टू सारा का सारा साथ के साथ आपको सारा फीचर टेस्ट करके दिखाऊंगा गाइड्स ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट हमारा वुमेन हेल्थ, उसके बाद ये है AI वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है। टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच की हमेशा हमें यूज़ होती रहती है वॉच में ठीक है। सो इसको हम देखेंगे कि शॉर्ट का फीचर हमारा है यानी शॉर्टकट हमें हम इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। टाइमर है, म्यूजिक कंट्रोल फाइनली हमारा आ चुका है, म्यूजिक कंट्रोल मैंने एक बार देख लिया था। कैमरा कंट्रोल का फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है ठीक है। फाइंड माई फोन है, तो फाइंड माई फोन मैंने फाइंड माई वॉच तो करके दिखा दिया था, फाइंड माई फोन में एक बार करके दिखा देता हूँ, फोन का फीचर देखने को मिलता है। एक बार और मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे। सो हमारा फाइंड माय फोन का फीचर भी वर्किंग है ठीक है, उस टाइम पे डिस्कनेक्ट हो गया था बाय मिस्टेक से। सो यहाँ पे फ्लैश लाइट का फीचर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि आपको 2-3 तरह के लाइट मोड देखने को मिल जाता है। टाइमर का फीचर यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे टाइमर आपका काफ़ी यूज होता है जब वॉच में कुछ भी हमें काम करना हो तो ठीक है। सेटिंग्स में वॉच वैसे डिस्प्ले है, वाइब्रेशन मोड है, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल चुका है। लास्टली हमारा 2 फीचर बच जाता है, एक पहले मैं आपको दिखाऊंगा कॉलिंग का फीचर की कॉलिंग हमारा किस तरह से वर्किंग है ठीक है गाइस। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारा इस वॉच का सेंसर वर्किंग है या नहीं, इस वॉच का, इस वीडियो का, इस रिव्यू का सबसे बड़ा सवाल ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं कॉल। सो गाइस कॉल करने के लिए यहाँ पे हम आने वाले हैं अपने ऐप सेटिंग्स में ठीक है, और यहाँ पे हम आने वाले हैं अपने फ्रीक्वेंट कॉल में। यहाँ पे मैंने इसका नंबर ऑलरेडी डायल करके रखा है ठीक है। सो यहाँ पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ पे कॉलिंग लग चुकी है ठीक है, कॉल हमारा कनेक्ट हो चुका है। हेलो, सो रहे हैं बे? अच्छा, आवाज़ आवाज में कोई दिक्कत, आवाज़ कैसी आ रही है? अच्छा, तो वैसे ये आपको वॉल्यूम कम अप डाउन करने का बोलता है, और बता क्या कर रहा है?
हेलो, बोलो ना, क्या कर रहा है? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तेरा वीडियो यूट्यूब पे आने वाला है, ठीक है, तो सबको बोल दे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। सो गाइस, यहाँ पे कॉलिंग का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा बोर्ड की तरफ से। लास्टली अब जो हमारा बच जाता है वो सेंसर ट्रेसिंग बच जाता है। यहाँ पे एक बार हर ट्रेड को मॉनिटर कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ हवा में टेस्ट, ठीक है। सो ये मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे मेजरमेंट में हमें क्या रिजल्ट देखा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन डिसाइड कि हाँ आपको ये वॉच लेनी है नहीं लेनी है। कंक्लूजन फास्ट आपको जो पूरा अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट होने वाले होंगे, ठीक है। स्टिल ये मेजरमेंट ही शो कर रहा है, तो इसको मैं एक बार नीचे रख देता हूँ, ठीक है। नीचे रख के एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि हमें क्या शो करता है, ठीक है। सो स्टिल मेजरिंग, स्टिल हमारा मेजरिंग पे है, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं इसको वेयर। अब मैं वॉच को किया है वेयर, और यहाँ पे वेयर करने के बाद मैं यहाँ पे अब दोबारा से टेस्टिंग करने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे दोबारा से टेस्टिंग करने के लिए हम आते हैं, और भी यहाँ पे हमारा मेजरिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। सो वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, बट हमें मेजरिंग के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो फाइनली हमारा जो रिजल्ट आता है 99 का आता है, जो अप और डाउन दोनों का हमें 99 शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा वॉच वेयर करने के बाद ये रिजल्ट आता है, मैं अगेन दोबारा से यहाँ पे मेजर ट्राई कर रहा हूँ एक बार कि हाँ सेम रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि 99 दोनों अप एंड डाउन को दोनों हमें देखने को मिल रहा है, और टेबल पर जब मैंने इसको मेजर किया था गाइस, सो आप देख सकते थे कि हमें कोई भी मेजरमेंट देखने को नहीं मिला था गाइस, ठीक है। सो स्टिल जो है हमारा दूसरा मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद कुछ चेंजेस आएगा, ठीक है। तो देखने वाले हैं कि हमारा क्या चेंजेस यहाँ पे आने वाला है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे 97 एंड यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या होता है हमारा 98 और 99। देख सकते हो, आपका जो हमारा है वो 99 है और टाउन का 98 है। अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू सेम रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं गाइस, ठीक है। सो इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। सो अगेन हमारी तरफ से जो इसका कंक्लूजन है कि आपको इस वॉच में सेंसर वर्किंग नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो अगर कंपनी यहाँ पे हमसे 2000 रुपये लेते हैं, तो आई थॉट कि इसमें कुछ ना कुछ हमें सेंसर अच्छे देने चाहिए गाइस, ठीक है। सो ये आपको ओवरव्यू लुक एंड डिज़ाइन की बात करेंगे, तो थोड़ा सा वॉच जो लुक्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा एक अच्छा सा हीवी वॉच देखने को मिलता है। तो लास्टली हमारा जो कंक्लूजन है वॉच ओवरऑल ओके है, ठीक है। कॉलिंग के फीचर यहाँ पे एकदम परफेक्ट वर्किंग है, कॉल कॉन्टैक्ट्स के सारे फीचर वर्किंग है। हाँ, एक चीज़ और गाइस, यहाँ पे जो कंपनी आपको क्लेम करती है कि 10 डेज का बैटरी बैकअप देने वाली है, तो इसका बैटरी बैकअप का रिव्यू वीडियो आपको आफ्टर 5 डेज देखने को मिलेगा। मैं ट्राई करूंगा कि जब ये बैटरी डाउन होगी तब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा गाइस, ठीक है। और इसके वाटर टेस्टिंग की वीडियो भी जल्दी आने वाली होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर तो आपको इस वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो भी मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।